मखनी सॉस बनाने के लिए एक सॉस पैन में ये मैंने बटर डाला है और बटर के साथ साथ इसमें ऑयल भी डालेंगे। फिर अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता, मोटी इलायची, दालचीनी, हरी इलायची, शाही जीरा और काली मिर्च। सबको डाल करके एक मिनट तक सौटे कर लेंगे। फिर इसके बाद ये लहसुन की कलियां और कटी हुई हरी मिर्चें उसको डालेंगे और अगेन एक मिनट तक सौटे करेंगे। उसके बाद फिर ये कटा हुआ प्याज है, प्याज को डालेंगे। प्याज डालने के बाद इसको एक दो मिनट कुक करेंगे। उसके बाद ये कटे हुए टमाटर है, टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। और फिर ये मैंने काजू डाला है। काजू डालने के बाद हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और ये लाल मिर्च पाउडर, सबको डाल करके अच्छे से चला लेंगे। और फिर इसको जो है चलाने के बाद ढक करके कम से कम 4-5 मिनट तक उसको पकाना है, जब तक कि टमाटर जो है गल कर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। 4-5 मिनट होने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि टमाटर पूरा गल गया है और इसमें जो भी मैंने गरम मसाला डाला था, जैसे तेजपत्ता, इलायची, दालचीनी, सबको आप पहले निकाल लीजिए। और निकालने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसको मिक्सी पॉट में डाल करके इसकी प्योरी बनानी है। उसके बाद फिर एक सॉस पैन में बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद जो प्योरी हमने पहले बनाया था उसको छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है तो आप ज़रूर छानिए। प्योरी में ज़रा सा हल्का पानी डाल करके अच्छे से उसको पूरा छान लीजिए, जिससे उसका मोटा जो भी मसाला जो मोटा जो नहीं पीसा हो वो सब निकल जाएगा। ये छानने के बाद जो है इसको अच्छे से मैंने चला लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला, सबको डाल करके फिर एक बार अच्छे से चलाएंगे और एक दो मिनट तक उसको कुक करेंगे। फिर ये मैंने डाला है कसूरी मेथी है, इसको हाथों पे अच्छे से मसल करके डालिए। ये मैंने शहद डाला है 1 चम्मच और फिर लास्ट में मैंने क्रीम डाला है। क्रीम डालने के बाद आप हीट ऑफ कर दीजिए और ये अब ये हमारा ये मखनी सॉस जो है ये बन करके तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। पनीर को मैंने चौकोर आकार में काट लिया है। अब इसमें नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद ये लाल मिर्च पाउडर, फिर ये गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और ये मस्टर्ड ऑयल। सरसों का तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे ही पनीर का टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको मैरिनेट किया हुआ पनीर को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद ये मैंने कास्ट आयरन का तवा लिया है, इसको ज़रा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद मैरिनेट किया हुआ पनीर को इस पर रखेंगे, फिर ऑयल स्प्रे करके पनीर को दोनों तरफ से हल्का गोल्डन लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको सेक लेंगे। आप चाहे तो इसको कोई भी नॉन स्टिक पैन या ग्रिडल पर भी सेक सकते हैं। ये पनीर जो है ये बन करके तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। फिर आप इसको अपने मनपसंद आकार में पनीर को काट लीजिए और ये हमारा मखनी सॉस भी तैयार है। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। सबसे पहले पनीर को रखेंगे, इसके बाद उसके ऊपर से मखनी सॉस डालेंगे। सॉस डालने के बाद ये ड्राई कोरिएंडर लीफ पाउडर है, इसको डालेंगे और ये हमारा पनीर बटर मसाला बनकर के तैयार हो गया है।